वार्निंग, द फॉलोइंग एपिसोड इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड विजुअल्स, क्योंकि इसमें मैं हूँ अभी बता रहा हूँ, नहीं तो तुम बाद में बोलोगे इसने तो बताया नहीं, और मुझे पता है तुम वैसे भी देखोगे तो देख दो। What's up, Sign Army? तो आ गया नामदार कामदार और धुआंधार गेम प्ले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार ये वाली गेम प्ले वीडियो में आपको भुवन बम का मजेदार डायलॉग्स का तड़का मिलेगा, जैसे कि आपको पिछले वाले वीडियो में हिंदुस्तानी भाव का तड़का मिला था। तो यार तो चलिए शुरू करते हैं। अरे वेट वेट वेट, छोड़ कर मत भागो, भुवन भाई ही अपना तड़का लगाएंगे वीडियो में, तो हम लोग अपना नॉर्मल कमेंट्री लगाएंगे और बीच बीच में भुवन भाई थोड़ा आग में घी डालते ही रहे। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो यार प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने तो सैटेलाइट मैप को ढूंढ लिया था, लेकिन इस बार हमको एक ऑयल कंटेनर चोरी करना है और हमारा साथ देगा दमीर। मेरी कसम मर जाएगा रे तू। तो यार वीडियो के स्टार्टिंग में तुमने तो देखा ही होगा कि हम लोग फाइट लेते हैं और मैं गाड़ी ऊपर रख देता हूँ और नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि यार मुझको पता रहता है कि वहाँ पे बंदे होते हैं, क्योंकि मैं एक बार मर चुका हूँ। अब मुझको ये भी पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे होगे। भाई के साथ धोखा हद होगी मैं। समझा करो यार, मरा हुआ पार्ट तो नहीं दिखा सकता ना, इसलिए एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो यार, और एक कैंप रहता है, करीब से करीब 5 से 6 लोग यहाँ पर भी रहेंगे। तो यार इन लोगों से पंगा मत लेना, गाड़ी लेकर कुचल उचल के निकल जाना, और इन लोग के पास रुकना बिल्कुल भी नहीं, रुकोगे तो तुमको ठोक देंगे। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुमको दिखाया, तो वहाँ पर भी ऐसे ही करना, पहले ऊपर गाड़ी रख देना फिर नीचे आके मारना, नहीं तो डायरेक्ट जाओगे तो ब्लास्ट कर देंगे, आगे जा नहीं पाओगे और मर जाओगे। बाय द वे मेरा स्टाइल तुमको कैसा लगा? गाड़ी में जो कुचला वही वाले अंदाज के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर उधर का बात लेके बैठ मत जाना, कमेंट सेक्शन में आलतू फालतू चीज मत लिखना। तो यहाँ पर आ जाना दमीर, तुमको गाइस यहाँ पर मिलेगा, तो उसके बाद ये हमको रास्ता दिखाएगा हमको किधर से जाना है क्या करना है, तो इसको चुपचाप से हमको फॉलो करना है। तो यार यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते मैं दमीर को कैसे यहाँ पर पहुँचा ये सब बताते रहता हूँ। तो यार दमीर मेरे को सिर्फ एक चीज बोलता है। तो यार वीडियो करीब करीब 30 मिनट की थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो यार मेरे को पता है तुम लोग वीडियो को देखते नहीं हो, स्किप मार देते हो, तो यार इसीलिए मैं वीडियो को जितना हो सके छोटा करने का कोशिश किया, और इसीलिए मैं थोड़ा गेम प्ले को फास्ट कर दिया हूँ। वाह वाह, धोनी की स्टंपिंग से भी। अब तुमको एक नज़ारा दिखाता हूँ, देखो। ओए 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 ओए। तो यार मैं बेसिकली यहाँ पर दमीर का नीचे आने का वेट कर रहा था, तो यहाँ पर देखो दमीर नीचे आ गया, और ये है वो गुफा का एड्रेस जिसके अंदर से हमको जाना है। तो यहाँ पर दमीर हमको बोलता है कि जो चार्ज है, फिल्टर विल्टर है, सबको सेटिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा चार्जर को पूरा चार्ज कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आ जाते हैं, देखो यार कैसे टूट गया, मतलब बहुत ही पुराना गुफा है शायद। तो यहाँ पर फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं एक टिप्स तुमको यहाँ दे दूँ कि गाइस फिल्टर भर के लाना, यहाँ पे तुमको फिल्टर नहीं मिलने वाला, पूरा बुरा फंस जाओगे, तो फिल्टर भर के लाना और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। तो यार यहाँ हम लोग बेसिकली ढूंढ रहे थे रास्ता कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा आस पड़ोस में देख रहे थे कुछ है या नहीं है। तो बेसिकली ये जगह जो है यहाँ पर पहले दमीर के मतलब पूर्वज बोल सकते हैं, तो पूर्वज रहते थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा ढूंढा आदि कर रहे थे तभी ये लोग अटैक कर देते हैं, तो ये लोग को भी हम लोग थूक देते हैं, क्योंकि हम अरे इसने मुझ पे कैसे थूका, कैसे थूका, ऐसे थूका नहीं भाई, ठोका। लेकिन एक बात बोलता हूँ, ये जानवरों के साथ जो आप मेरे को अंदर से ये वाली चीज फील आ रही थी। Yeah.
तो यार गाइस एक और टिप्स यहाँ पे मैं तुमको दे दूँ। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे, रास्ता मैं तुमको दिखा रहा हूँ गेम प्ले वीडियो में, सीधा कट लेना, रुकना नहीं, रुकोगे तो मर जाओगे। दमिर को उन लोग के साथ फाइट करने दो और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर रुक गए ना भाई मरोगे, बचने को कोई चांस ही नहीं है, मरोगे। तो यार भाग लो वहाँ से, क्योंकि तुम्हारे पास एमओ वो नहीं होगा, फिल्टर भी बहुत ख़त्म हो जाएगा, तो भाग लो, रुकोगे तो बड़ा पछताओगे और कुछ नहीं कर सकते भाई। तो यहाँ पर बेसिकली ऑयल का माइनिंग चल रहा होता है, एक लेबरर होता है और कुछ लेबरर होता है, तो एक दो ऊपर चले जाते हैं और एक ही नीचे रुक जाता है और कुछ एनिमीज रहते हैं। तो ऊपर वाले जो एनिमीज रहते हैं उनको मैं पहले ही मार देता हूँ, आप लोग भी ऊपर वाले को पहले मारना, क्योंकि नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो यार लेट्स गो। तो यहाँ पर ये सुअर के बच्चे मुझको देख लेते हैं, तो इन लोगों से फेल देता हूँ यार। इन लोग क्या ही सामना करेंगे यार, तुम्हारा भाई एकदम खतरनाक सा फायर करता है यार, समझा करो। तो यार मैं ठोक देता हूँ, तो एक और जो लेबरर होता है तो उसको मैं बेसिकली एनिमी समझ लेता हूँ और उसके ऊपर फायर करता हूँ, और ये तो अच्छा है कि वो मरता नहीं है। तो यहाँ से सीधा हम लोग ऊपर चले जाते हैं, और यार मैं यहाँ पर लाइट बंद करते हुए जा रहा था, तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मार चुके हो, तीन बंदे यहाँ पर रहते हैं, तीन बंदे को अगर मार चुके हो तो बिना लाइट ऑफ करके भी तुम ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ पर दामिर नीचे रुक जाता है, वो बाद में ऊपर आएगा, पहले हमको ऊपर जा के मारना पड़ेगा, तो पहले हमको ऊपर भेज देता है और मेरे को लगता है वो अंदर से ये जरूर फील कर रहा होगा। तो यार कोई बात नहीं, और यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पर सीधा आना, यहाँ पर छुप जाना। तो यहाँ पर मैं छुपने के बावजूद मेरे को दो लोग उनका स्पॉट कर लिए थे, तो यहाँ पर मैं फायर किया था जिसकी वजह से मेरे को स्पॉट कर लेते और मेरे करीब आ जाते हैं, और मेरे पास कोई दूसरा गन नहीं होता है, तो मेरे को मैं बाउंड हूँ ऐसे मारने के लिए। तो कुत्ता मेरे पे जॉम मार लेता है, तो एक और बंदा आता है तो उसको मैं मार देता हूँ, तो यही टप टप वाला गन ही मेरे पास रहता है और गन नहीं होता है, तो बाउंड हो यार करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो जब लाइट गिर रहा होगा तब तुमको जाना नहीं है, और जब लाइट हमारे ऊपर नहीं गिर रहा होगा तब जाना। यहाँ पर अंदर एक एंटी टाइप का होगा तो उसको काट के जाना, तो यहाँ पर मैं उसको पीछे से मार देता हूँ। तो यहाँ पर देखना यार तुम्हारा भाई लाशों का ढेर बिछाना, तो ये सब एनिमी जो यहाँ पर मरे हैं इनके लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। तो यार गाइस बहुत मजाक हो लिया, तो ये जो पोजीशन मैं तुमको दिखाया ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, तो यहाँ पर नीचे बैठ के तुम आराम से मार सकते हो, सब तुम्हारे सामने आएंगे, या तो फिर थोड़ा आगे पीछे होके तुम आराम से मार सकते हो, सबको टेक डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से दमिर भी आ जाता है हेल्प करने के लिए ऊपर, तो यहाँ से एक्चुअली ट्रक निकालना होता है हम लोग को, यहाँ पर दमिर आएगा एक ट्रक निकालेगा। तो यहाँ पर देखना एक बंदा आ गया, तो साला मेरे को पीठ दिखाता है तो ठोक देते हैं, क्या बड़ी बात है। तो यार दमिर यहाँ से ट्रक निकालना होता है दमिर को, तो हम लोग ऊपर जाके गेट खोलेंगे। तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर रास्ता देखो मैं जैसे जा रहा हूँ तुमको आराम से पता चल जाएगा। और यार यहाँ पर एक जाने के बाद हम लोग जैसे कि यहाँ से ट्रक निकाल के चले जाते हैं कंटेनर लेके जिसमें ऑयल होता है, तो उसके बाद क्या होता है सो जाता है कुछ देर के लिए हमारा जो आरटीएम है, उसको बहुत नींद आता हुआ रहता है, तो वो सो जाता है, और फिर देखना जब उठेगा तो कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तुमको। यहाँ तक पहुँचने के बाद झुरझुरी छूट रही है, क्योंकि यार मुझको लग रहा था यहाँ पर मिशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यार आगे भी फाइट रहती है, तो उसके लिए मैं तुमको सिर्फ एक ही टिप्स देना चाहूँगा कि कवर में ही रहना और वेट करना सैंडस्टॉर्म ख़त्म होने तक, और ज़्यादा फाइट मत लेना क्योंकि खुद का हेल्थ डाउन करके तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सैंडस्टॉर्म का जाने तक वेट करना, थोड़ा कवर में रहना, बोली बोली या तो फिर ग्रेनेड कुछ होगा तो वो डाल देना, और जैसे ही सैंडस्टॉर्म ख़त्म होगा तो देखना ऑटोमेटिक तुम्हारे जो फ्रेंड्स रहेंगे, ये जो साथी रहेंगे, तो ये लोग सबको मार चुके होंगे, और हमको सिर्फ एक दोनों को मारना होता है बीच में,
तो एक दोनों को मार देना यार, उसमें क्या तकलीफ है, वो तो तुम अच्छे से कर ही पाओगे। तो यार एंजॉय करो, अब शायरी सुनो। पीठ पे ना मुक्का मारूं ना नापूं मैं गुद्दी, बातों पे ही बुन फाड़ दूं नाम है मेरा। सिग्नेचर से रुको रुको भाई, हर वीडियो के तेरा अपना भी शायरी आएगा, तो गौर फरमाइए। इधर देख ले भूतनी के। दिल था पागल मेरा, पता ना था इरादा तेरा। दिल था पागल मेरा, पता ना था इरादा तेरा। खून में मेरे जहर तूने घोला, खून में मेरे जहर तूने घोला। सबर कर, खुदा बदला लेगा मेरा। तो यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। We'll be right back.